गुड मॉर्निंग डियर किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो चिल्ड्रेन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट गुड टच एंड बैड टच। गुड टच इज अ सेफ टच, व्हाइल बैड टच इज अनसेफ टच। सो चिल्ड्रेन, व्हाट डज टच मीन? इट इज एन एक्ट ऑफ टचिंग समवन और समथिंग। Means, जब हम किसी को टच करते हैं या छूते हैं, okay? और कोई हमें छूता है, टच गिव्स यू फीलिंग लाइक सैड, एंग्री, अफ्रेड एंड हैप्पी। जब हमें कोई टच करता है तो हमें कभी सैड मीन्स उदास हो जाते हैं, या हमें डर लगता है, या हम गुस्सा होते हैं, या फिर हम खुश होते हैं। So children, we have parts of our body which are good to touch. So some parts are okay to touch, others are bad to touch. Parts of our body which we might not like people to touch. So children, हमारी बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, अगर उसको कोई छूता है या टच करता है तो वो बैड टच माना जाता है। ऐसे कौन से पार्ट्स हैं? लेट्स सी। लिप्स, चेस्ट, बिटवीन योर लेग्स एंड बटक्स। सो चिल्ड्रन, अगर आपके इन पार्ट्स में से किसी भी पार्ट को कोई भी टच करता है तो वो बैड टच होता है। लाइक अगर आपके लिप्स को कोई टच करे, या चेस्ट को कोई टच करे, या बिटवीन योर लेग्स या बटक्स, कोई भी इन पार्ट्स को अगर आपकी बॉडी में टच करता है तो वो बैड टच होता है। सो चिल्ड्रन, लेट्स सी व्हाट डज गुड टच मींस। ओके, सो अ गुड टच कैन बी अ हग और किस फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। मीन्स जब आप गुड टच क्या होता है, जब आपकी पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको हग करते हैं, किस करते हैं, वो होता है गुड टच। एंड इट मेक्स यू फील वार्म, कंफर्टेबल एंड सेफ इनसाइड। और ये आपको कंफर्टेबल फील कराता है और आपको सेफ फील कराता है। ओके, एंड गिव्स यू गुड फीलिंग इनसाइड, लाइक एक्साइटेड, हैप्पी, जॉयफुल एंड सरप्राइज्ड। और जब आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आपको हग करते हैं, किस करते हैं, तो आप खुश होते हैं, जॉयफुल होते हैं, हैप्पी होते हैं। सो दैट मीन्स गुड टच। एंड इट कैन बी अ pat on the back from your teacher when he and she says good job। और अगर आपके टीचर आपको जब आप वर्क अच्छा करते हैं तो आपके पीठ पर, बैक पर पैट करते हैं ना, शाबाशी देते हैं, गुड जॉब बोलते हैं, तो वो भी गुड टच होता है। इट कैन बी शेकिंग हैंड्स और गिविंग अ हाई फाइव। जब आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं या आप हाई फाई करते हैं ना, हैंडशेक करते हैं, तो वो गुड टच होता है क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट डज बैड टच मींस। ओके, सो व्हेन समवन पिंचेस यू ऑन पर्पस और टचेस यू योर प्राइवेट पार्ट्स, अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स को, बॉडी के किसी भी प्राइवेट पार्ट्स को, लाइक अभी मैम ने आपको बताया कि लिप्स, चेस्ट, बिटवीन योर लेग्स एंड बटक्स, ये सब क्या है, आपके प्राइवेट पार्ट्स है, अगर इनको कोई टच करता है तो ये बैड टच माना जाएगा। ओके, एंड इट गिव्स यू बैड फीलिंग इनसाइड। और इस तरीके से अगर आपको कोई टच करता है तो आपको बैड फीलिंग फील होता है, लाइक सैड,
अफ्रेड, एंग्री एंड एम्बेरस्ड। आप सैड हो जाते हैं, डरते हैं, कभी कभी गुस्सा आता है। ओके, सो दैट मीन्स बैड टच। इट इज बैड इफ दैट टच मेक्स यू फील स्केयर्ड एंड नर्वस। और आपको इस तरीके से अगर कोई टच करता है तो ये गलत है, जिससे आप डर जाते हैं। When someone touches you on your body where you don't want to be touched, और अगर कोई आपको आपकी बॉडी पे किसी भी प्राइवेट पार्ट को टच करता है जो आप नहीं चाहते, वो भी वो बैड टच होता है। So children, let's learn some points to remember. कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, आपको याद रखने हैं। So first point is no one has the permission to touch your private parts. किसी को भी परमिशन नहीं है कि वो आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच करे। तो हमेशा याद रखे, अगर आपको कोई टच करने की कोशिश करता है तो आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करने नहीं देंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज योर बॉडी बिलोंग्स टू यू, कि वो आपकी बॉडी है, आप उसको किसी को भी टच करने नहीं देंगे। ओके, से नो टू द पर्सन हु इज ट्राइंग टू टच यू। अगर आपको कोई भी टच करने की कोशिश करता है, टच मींस बैड टच। ओके, मैम ने अभी आपको बताया बैड टच और गुड टच के बारे में। तो बैड टच अगर आपको कोई करता है तो आपको उसे क्या बोलना है? नो। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ समवन ट्राई टू टच यू, सो शाउट लाउडली। अगर आपको टच करने की कोशिश करता है कोई, तो आपको जोर से शाउट करना है एंड गो अवे फ्रॉम द पर्सन, और उस पर्सन के पास से आपको चले जाना है, भाग जाना है एंड टेल योर पेरेंट्स एंड एनी ट्रस्टेड पर्सन, और अपने मम्मा पापा को या दादी दादा को उस बारे में आप बताएंगे कि अगर आपको कोई बैड टच कर रहा है तो आप जल्दी से भाग के अपने मम्मा पापा को इस बारे में जरूर बताएंगे। ओके, चाहे मम्मा पापा हो चाहे दादी दादा हो। ओके, सो चिल्ड्रन, आई होप यू लर्न अबाउट द गुड टच एंड बैड टच एंड द points to remember. Okay children, so bye bye and take care. Have a nice day.